दिए। अरे क्या हुआ, पूरे ही 100% सम्मुख बुद्धि हो गए क्या? वर्तमान स्थिति में साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या है? साक्षी दृष्टा का अर्थ है ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी। तो जो कुछ भी हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारे अपने लिए हो रहा है या दूसरों के लिए हो रहा है, उसको देख करके उसको सुन करके हमारी आत्मा विचलित नहीं होनी चाहिए। अंश मात्र भी अगर विचलित हुए तो साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आनी है, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, देखना है। ऐसी स्थिति में हम साक्षी दृष्टा रह सकेंगे? अभी से प्रैक्टिस करनी है। अभी तो छोटी मोटी परीक्षाएं सामने आती हैं। आगे चल के बड़ी बड़ी परीक्षाएं सामने आवेंगी, उनमें स्थिरियम रहना, एक रस रहना, उसे कहेंगे साक्षी दृष्टा। अगला प्रश्न है, क्या बाबा इस समय साक्षी दृष्टा का पाठ बजा रहे हैं? बाबा गुप्त पाठ बजा रहे हैं या प्रत्यक्ष है? तो साक्षी दृष्टा अगर होकर के पाठ बजावेंगे तो प्रत्यक्ष हो दिखाई देगा या गुप्त हो जाएगा? फिर तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप तो कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई को पता ही नहीं लगता। साधारण तन में आवेंगे तो साधारण पार्ट बजावेंगे या स्पेशल पार्ट बजावेंगे? साधारण ही पार्ट बजावेंगे। बाबा
रामायण और महाभारत हकीकत में हुई थी या नहीं? क्या राम और कृष्ण हकीकत में इस सृष्टि पर हुए थे या नहीं हुए थे? क्या कहेंगे प्रश्न पूछने वाले को? बेसिक नॉलेज वाला कहेंगे या एडवांस कहेंगे? हैं? बेसिक वाले भी कहते हैं कि राम और कृष्ण कोई हकीकत में नहीं हुए थे। तुम बच्चों ने जो पार्ट इस समय संगम युग में बजाया है उसी की कथा कहानियां रामायण और महाभारत में लिखी हुई हैं। रामायण भागवत महाभारत ये सब इस समय की रचनाएं हैं। बाबा पहले जब आप साकार में थे ब्रह्मा बाबा के रूप में पार्ट बजा रहे थे ये भी बताया, ये भी याद है कि अम्मा बाबा के रूप में पार्ट बजा रहे थे तो टोली खिलाते थे। अब टोली क्यों नहीं खिलाते हो? अम्मा छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है या बाप गोद में लेकर के दूध पिलाता है टोली खिलाता है? हैं? अम्मा खिलाती है तो अम्मा ने खिलाया। बाप हद की टोली खिलावेंगे, बेहद का बाप है तो बेहद की टोली खिलावेंगे या हद की टोली खिलावेंगे? अम्मा हद की पढ़ाई पढ़ाती है, बेसिक पढ़ाई पढ़ाती है और बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो टोली भी बेहद की खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में उसका नाम दे दिया है प्रसाद। प्रमाणे प्रकष्ट रूप से साध माने आह्लाद में आत्मा आ जाए, प्रसन्नता में आ जाए, खूब खुशी मिल जाए। तो बाप जो ज्ञान की टोली देते हैं उससे स्थाई खुशी आती है या ब्रह्मा बाबा की खिलाई हुई टोली से स्थाई खुशी आती है? हैं? ज्ञान की टोली से खुशी आती है स्थाई। और कर्मातीत एक ही बात है, जो कर्मातीत हो जाएगा उसमें कोई में कोई चीज में कोई व्यक्ति में अपने शरीर के अंगों में शरीर में कोई ममत्व नहीं रह जाएगा। हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। बाबा किसी आत्मा की इस टाइम में अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो किसी आत्मा की ऐसी स्थिति बन सकती है? कौन सी स्थिति? नष्टो मोहा कर्मातीत अवस्था। अभी अभी राजधानी स्थापन हो गई है, पहले राजधानी पहले स्थापना होगी या पहले कर्मातीत स्टेज बन जाएगी? स्थापना के साथ साथ कर्मातीत स्टेज भी बनेगी।
कर्मातीत स्टेज माना साक्षी दृष्टा। गीता में बोला है साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलश्च सत रज तम, तीन गुणों का कोई असर नहीं होता। सात्विक स्वभाव संस्कार के संपर्क में संसर्ग में आने से सुखी नहीं होंगे, हो जाएंगे, सुख को व्यक्त नहीं करेंगे। तामसी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आने से दुख का अनुभव नहीं होगा, दुख अनुभव नहीं करेंगे। और बोले बोल रहा है कि अभी क्रिश्चियन का राज्य है और हम बोले बोल रहा है कि क्रिश्चियन से हमें राजधानी लेनी पड़ेगी पड़ेगी मतलब क्रिश्चियन से मतलब अभी क्रिश्चियन की राजधानी है। हाँ, अभी भारतवर्ष में विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है भारतीय संस्कृति में, यह स्वदेशी सभ्यता का प्रभाव ज्यादा है, हैं? सारी संस्कृति हमारी विदेशी बन गई, इससे मुक्त कब होंगे? हैं? उन विदेशियों से उन क्रिश्चियन से तो बाद में मुक्ति होगी। पहले क्रिश्चियन से मुक्ति होगी, क्रिश्चियन के स्वभाव संस्कार से मुक्ति होगी या कृष्ण से मुक्ति होगी? चंद्रवंशियों के स्वभाव संस्कार से पहले मुक्ति होगी, पहले क्या होगा? है किसके, उन क्रिश्चियंस के या जो अंदर चंद्रवंशी बैठे हुए हैं उनके स्वभाव संस्कार से मुक्ति होगी? पहले अंदर वालों से मुक्ति तो हो। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में राजधानी किसकी है, वर्चस्व किसका है? चंद्रवंशियों का वर्चस्व है, कृष्ण के फॉलोअर्स का वर्चस्व है या क्रिश्चियंस का ज्यादा वर्चस्व है? है किसका वर्चस्व है ज्यादा, प्रभाव किसका है? अभी भी गीता का भगवान कृष्ण ही है। आर्य समाज जी का जब राज्य है ये भी कह दिया गया, आर्य समाज जी कभी, आर्य समाज जी माने कोई धर्म के ऊपर विश्वास नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य, किसी धर्म की हमें अपेक्षा नहीं, सब धर्मों से ठोकर खाते हुए आए हैं, तो उन्हें किसी धर्म पर आस्था है ही नहीं। इसलिए क्रिश्चियंस का दूसरा हिस्सा बनता है नास्तिक, ये है अर्धनास्तिक। जो पाना था तो पा लिया, कुछ बाकी नहीं रहा, इसका अर्थ क्या? माने कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या। हमारा लक्ष्य क्या है? हैं? मन को अमन बना दें, मन की सारी इच्छाओं को खत्म कर दें। कब होगी खत्म? जब ये फिकरा लागू होगा, पाना था
सो पा लिया, बाप मिल गया, फिर क्या रह गया? बाबा गुर्जर दादी में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो आवाज बदली हो जाती है, चेहरे के हाव भाव बदले हो जाते हैं, परंतु दुनिया में जब किसी में प्रेत आत्मा प्रवेश करती है तो आवाज भी बदली नहीं होती और चेहरा भी वैसे का वैसा रहता है। पूरी प्रवेशता नहीं होती है तब, जब पूरा ही आकुपाई कर लेगी आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी तो चेहरा मोरा चेंज हो जाएगा। वो प्रयास करती है पूरा ही कंट्रोल करने के लिए, जिसमें प्रवेश करने का प्रयास करती है वो पावरफुल है। गुलजार दादी की आत्मा और कहां चंद्रवंश की फर्स्ट क्लास आत्मा, फर्क होगा या नहीं होगा? भारी फर्क हो गया। कहां पहली डायनेस्टी का मुखिया और कहां सतयुग की लास्ट डायनेस्टी की एक आत्मा। और रामायण किस टाइम आठवां नारायण आठवां नारायण कर लेता है। यहाँ सन्मति की बात है नहीं, जैसे अभी गुलजार दादी आठवां नारायण बताया। हाँ गुलजार दादी और जगदीश भाई ये दोनों साथ साथ रहते थे, लंबे समय तक कमला नगर में साथ साथ रहे, तो साथ साथ संस्कारों की शूटिंग होगी या नहीं होगी? है होगी। तो जगदीश भाई ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान ने बाप को प्रत्यक्ष किया नहीं किया? और राम वाली आत्मा के थ्रू जो ज्ञान दिया जाता है उससे बाप प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन बाप का तो ज्ञान सुन नहीं रहे ना तो है? बाप का ज्ञान सुन नहीं रहे ना तो? बाप का ज्ञान सुन नहीं रही ना गुंजा दादी। गुंजा दादी में क्या सुन रही है? बाप का ज्ञान नहीं सुन रही गुंजा दादी। गुंजा दादी कहाँ सुन रही? नहीं सुन रही। गुंजा दादी कहाँ सुन रही? मुझे कुछ कैसे कर दिया उन्होंने? हैं कैसे कर दिया? यही जो काम करना था सो नहीं किया, बाप के विरोध में और ट्रेनिंग दे दे करके कन्याओं को बिल्कुल उल्टी बुद्धि बना दिया बाप से। तो बाप प्रत्यक्ष होगा या गुम हो जाएगा? उल्टा काम किया तो सारी राजाई चट्ट हो जाएगी या राजाई काबिज रहेगी? सारी राजाई त्रेता में चट्ट हो गई, नारायण का नाम निशान डुबो दिया, डायनेस्टी ही खत्म, राम की डायनेस्टी चालू हो गई। जो करना था सो नहीं किया, जो ईश्वरीय सेवा में कन्याएं माताएं सरेंडर हुई थी उनसे मान मर्तबा ले लिया उल्टा ज्ञान सिखाए करके, बड़ा भारी विद्वान हूं, पंडित हूं, आचार्य हूं, मोटी मोटी किताबें लिख डाली, उन किताबों से भगवान साबित होता है, भगवान एक व्यापी प्रत्यक्ष होता है कि और ही गुम हो जाता है विस्तार में, और ही विस्तार में छुप गया। तो मान मर्तबा ले लो और चाहे तो ईश्वर का ज्ञान ले लो, ईश्वरीय ज्ञान उठाएंगे और दूसरों को उठाने में मदद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी, उल्टा काम करेंगे तो जो मिली मिलाई बादशाही है वो भी गवाए देंगे।
जी बाबा राम के वियोग में दशरथ ने तरफ तरफ के शरीर छोड़ा था है? इसकी शूटिंग यज्ञ में कहाँ होती है जी? झाड़ के चित्र में दस जड़ें देखी हैं, दस जड़ों पे कोई आत्मा है निमित्त जड़ों के रूप में पार्ट बजाने वाली है, वो दस रथ है। क्या दस रथ है? दस आत्माएं बैठी हुई हैं, दो बीच में है, चार एक तरफ चार दूसरी तरफ। ये दस आत्माएं जब बेसिक ज्ञान में आ जाती हैं, तो लास्ट में राम वाली आत्मा बेसिक ज्ञान में आती है। तो राम वाली आत्मा में ज्ञान का बीज बोने के निमित्त कौन बने? ये दस रथ हो गए। ये दस सिर कहो, दस रथ कहो, दस शीस रावण कहो, बात एक ही। एक चित्र में दिया हुआ था गणेश के सिर के ऊपर पीछे पांच फन वाला सर्प दिखाया है, अब गणेश का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? है कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो शंकर वाले पार्ट से भिन्न है कुछ या एक ही है? है भिन्न है। भिन्नता ये है कि शंकर के गले में बगल में कमर में सांप दिखाए गए हैं और विष्णु के सर के ऊपर सांप दिखाए गए। जो विष्णु का पार्ट है पालना का स्थापना का, वो ही पार्ट द्वापर युग से गणेश के रूप में जानवर की मूर्ति में दिखाई दिए है, क्योंकि द्वापर युग में कलयुग में द्वैतवादी से अनेकवादी बन जाते हैं। रामकृष्ण की आत्माएं भी जानवरियत का स्वभाव पकड़ लेती है। तो हनुमान और गणेश की पूजा चालू हो जाती है। बाकी बात वही है जो शास्त्रों में दिखाई है। जैसे विष्णु को फणों वाला सर्प दिखाया है छत्र छाया के रूप में, ऐसे ही गणेश को दिखाया है। और सोनिया गांधी ने दिल्ली में धीरे धीरे विदेशी प्रथा शुरू कर दी। यहां बेहद में शूटिंग क्या है? बेहद की सोनिया गांधी कौन है? उनका लक्ष्य है गरीबों को हटाओ। गरीबी हटाओ ये लक्ष्य नहीं है। माना क्या है? अच्छा गांधी जी कौन है? जब गांधी जी क्लियर हो गया
तो गांधी जी का टाइटल धारण करने वाली सोनिया गांधी भी क्लियर हो जानी चाहिए। माया विदेश से आती है या स्वदेश से आती है? माया विदेशी है, माया रावण विदेशी है, तो विदेशी संस्कृति ही तो फैलाएगा, स्वदेशी संस्कृति कैसे फैलाएगा? विदेश में रईस लोग रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं? है? रईस लोग रहते हैं। तो अपने देश वालों को आगे बढ़ाएंगे या गरीबों को आगे बढ़ाएंगे? है? और हाँ जी, गीता को श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं? गीता को श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं? है, क्योंकि श्रेष्ठ मत भगवान के गाए हुए ज्ञान के गीत से ही मिली है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। भगवत माने भगवान। बाबा सदा शिव तो हमेशा कल्याणकारी होना चाहिए, फिर शिवलिंग को काला क्यों दिखाया गया है? गोरा होना चाहिए हा? अब पूछने वाला शायद ये नहीं जानता है शिव क्या है और शिवलिंग क्या है। शिव नाम है बिंदी का और लिंग नाम है साकार शरीरधारी का, रथ का, मुकर्रर रथ का। मुकर्रर रथधारी आत्मा काली और गोरी बनती है या शिव काला और गोरा बनता है? हैं? मुकर्रर रथ काला भी बनता है और गोरा भी बनता है। तो लिंग को भक्ति मार्ग में स्वर्णलिंग भी कहा गया है। पहले सोने का लिंग बनाते थे क्योंकि सोना ज्यादा मिलता था, देवताओं के सोने के महल थे, तो स्वर्णलिंग। फिर रजत लिंग, चांदी का लिंग। फिर ताम्रलिंग, तांबे का लिंग। फिर लौह लिंग या पत्थर काला लिंग। तो जैसे जैसे वो आत्मा संग के रंग में आती गई वैसे वैसे काली बनती गई। तो भक्ति मार्ग में उस लिंग की यादगार शिवलिंग को काला बनाई दिया है कलयुग के अंदर। बाबा शरीर बर्फ में दबने के बाद कंचन काया बनता है, तो उसमें आत्मा प्रवेश होने के बाद कंचन काया बनेगा या प्रवेश होने के पहले ही बनेगा? खुद ही तो लिखा है कि शरीर बर्फ में दबने के बाद कंचन काया बनता है, खुद ही तो जवाब दे दिया, फिर पूछते क्यों? बर्फ अर्थात मन चलाए मान रहे या जाम हो जाए? मन जाम हो जाए बर्फ की तरह, इच्छा मात्रम अविद्या,
कोई संकल्प विकल्प न चले, तब जब आत्मा की ऐसी स्थिति बनेगी। तो आज ही तो मुरली में आया कि शरीर सात्विक बनेगा तो आत्मा, वो आत्मा सात्विक बनेगी तो शरीर भी सात्विक मिलेगा। परमधाम से जब आत्मा उतरेगी तो सात्विक उतरेगी या तामसी राज से उतरेगी, सात्विक उतरेगी तो उसको शरीर भी उस समय कैसा मिलना चाहिए? सत्व प्रधान शरीर मिलेगा। बाबा उस अवस्था में शरीर को सारे तत्व मिलता रहेगा है? वैसी अवस्था में जब जाम हो जाएगी बिल्कुल बुद्धि, या मतलब अच्छा लडोल स्थिति होगी, तो उस समय शरीर को अच्छा लडोल स्थिति किसकी होगी, शरीर की या आत्मा की? हाँ, तो आत्मा तो परमधाम वासी हो जाएगी, भोजन मिलता रहेगा, सारे तत्व मिलते आत्मा पहले गर्भ में प्रवेश करती है या पहले पिंड तैयार होता है? आत्मा के संस्कारों के अनुसार पिंड पहले से ही तैयार हो जाता है। चार महीने का पिंड तैयार होता है उस व्यक्ति के आधार पर जो जीवित है कहीं, उसके संस्कारों का, उसके स्वभाव का, उसके वातावरण का, उसके वाइब्रेशन का जो वलय है, उस वलय के अनुसार उसका गर्भ तैयार हो जाता है। काना भी होता है, लूला भी होता है, अंधा भी होता है, अर्धांग भी होता है और सकुशल शरीर भी होता है। किस आधार पर बनता है? जो स्वभाव संस्कार जीवित व्यक्ति दूसरी तरफ है, बल इंडिया में हो जिंदा और उसका गर्भ विलायत में तैयार होता है। ये सूक्ष्म मशीनरी है। आत्मा का वंडरफुल खेल है, ये वंडरफुल कुदरत है। है उस समय जीवित रहेगा शरीर उसका जब वो स्त्रीयन होगा। चार महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो चार महीने से पहले जड़ पिंड होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। ऐसे ही ये नई दुनिया में आने की प्रक्रिया है। प्रकृति रूपी माता ऐसा गर्भ तैयार कर देती है जहां बर्फ में शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहता है और परिवर्तित होता रहता है ऑटोमेटिक। बाबा बर्फ के जब शरीर निकलेंगे आत्मा सहित तो खाएंगे क्या उसमें? जब आपकी संपूर्ण स्टेज बनेगी तो आपको श्वास लेने की भी दरकार नहीं रहेगी। खाना पीना सब सूक्ष्म हो जाएगा या ज्यादा खाना पीना रहेगा? विकारी ज्यादा भोगता है खाना खाता है या निर्विकारी ज्यादा खाना खाता है? तो आप तो निर्विकारी आत्मा बन जाएंगे। वहाँ कर्म की रेशियो भी तो धीरे धीरे होगी है, शुरू हो जाएगा ना कर्म का रेशियो। जो यहाँ फास्ट भागते रहते हैं दिन रात है, यहाँ जो हम फास्ट कर्म करते हैं दौड़ दौड़ करते रहते हैं कमाई के लिए है, बिल्कुल स्लो मोशन हो जाएगा। अरे जब कुछ चाहिए ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, अभी उल्टा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए, चाहिए चाहिए कि भीड़ लगी हुई है, तो भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये हम बीज रूप आत्मा आकर वापस शरीर में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद में जो शरीर से हम जागृत होंगे तो कितनी उम्र होगी? 150 साल। किसी की कम किसी की ज्यादा,
कोई वयोवृद्ध भी होंगे जिनके शरीर बर्फ पे दब जाएंगे, साफ परिवर्तित हो जाएंगे। उस शरीर के साथ आत्माएं साकार शरीर की हद कितने जीवित रहेंगी, कितनी मजबूत रहेंगी? 4.5 लाख। शरीर कितने समय के बाद छोड़ेंगे? 150 साल से ऊपर। सत्युग में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी एवरेज एज होगी 150 साल, और संगम युग में जो योग बल से अपने शरीर को पावन बनाएंगे उनकी उम्र 150 साल से ऊपर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ऊपर होगी। अरे बाबा बोलते हैं कलकत्ता में जहां तक ज्यादातर देवियों की पूजा करते हैं, कलकत्ता में देवियों की पूजा करेंगे तो फिर एक तरफ बोलते हैं कलकत्ता से बाबा की प्रत्यक्षता की आवाज नहीं फैलाएगी, ये कैसे बाबा? विनाश का काम बाबा करते हैं या शक्तियों को निमित्त बनाते हैं? शक्तियां निमित्त बनती हैं, और शक्तियों की ज्यादा पूजा कहां होती है? कलकत्ते में। आवाज स्थापना से निकलेगी या जब ताबड़तोड़ विनाश होगा तब आवाज निकलेगी? है स्थापना से आवाज नहीं आई, स्थापना इतने साल से हो रही है आवाज निकली है? जब तक 500 करोड़ की तामसी दुनिया का विनाश नहीं होता है तब तक स्थापना को कोई पूछेगा नहीं। जब तामसी दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा ताबड़तोड़, तब चारों तरफ आवाज निकलेगा। और जैसे हम आत्माएं ड्रामा के बंधन में हैं, परम धाम चरण के बाद में और सृष्टि का विनाश होगा तब ही वापस हम जाएंगे, ऐसे क्या ड्रामा का बंधन बाबा के ऊपर भी है? अरे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मुझे पतित शरीर में आना पड़ता है, पतित आत्माओं के बीच बंदरों के बीच में आना पड़ता है, पतित दुनिया में आना पड़ता है, परम धाम जैसी पावन सत्यधाम को छोड़कर के कहां आता हूं? पतित दुनिया में आता हूं, पतित तन में आता हूं, पतितों के संग में रहता हूं। तो बाबा 100 साल का जो पार्ट आपने प्ले किया, हमने काय के लिए प्ले किया? तुमने नहीं प्ले किया तो हमारा नाम क्यों लेते हो? है ड्रामा के फुल ड्रामा में आप नहीं आते हैं? हम ड्रामा में नहीं आते, तुम कोई खास आदमी, तुम ही आओगे, हम नहीं आएंगे। नहीं, आप 100 साल के लिए आए मात्र। आप 100 साल के लिए आए, हम कह रहे हैं आप 100 साल के लिए आए, आपकी 100 साल उम्र हो, हम तो आपके लिए भी शुभ भावना करते हैं। है 100 साल के ड्रामा में आप बीच में नहीं आते, ये भाव 100 साल के ड्रामा में आप बीच में नहीं आते, सिर्फ 100 साल के जो ये लास्ट में आते हैं। अरे हमने तो 63 जन्म भी लिए, 84 जन्म भी लिए, तुम कैसे कहते हो हम नहीं आते? हैं? अशुभ की बात तुम करो ना, हमारी बात क्यों करते? हाँ देवता 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा बताया कि 500-700 करोड़ आत्माओं की संगति होगी। है
35 करोड़ देवी देवताएं हैं। 35 करोड़ देवताओं के द्वारा 500 करोड़ आत्माओं की सदगति होगी ये नहीं बताया। मुरली में ये बताया है कि 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो सदगति होती है कि दुर्गति होती है? हैं? तुम उल्टा बोल रहे हैं? इनके थ्रू उनकी सदगति होनी है ना? हैं? तो 700 करोड़ की जो आत्माएं हैं उनकी सदगति कैसे होगी? उनकी आत्मा की सदगति शिव बाबा करते हैं ज्ञान सुना करके। ये ज्ञान सारी दुनिया में फैलेगा। सारी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ज्ञान उठाएंगी, लेकिन वैसा ज्ञान नहीं उठाएंगी जैसा 84 जन्म से पहले संगम युग में ज्ञान उठाने वाली 4.5 लाख आत्माएं ज्ञान उठाएंगी। वो डायनेस्टी स्पेशल डायनेस्टी है। बाकी संदेश तो सबको मिलेगा। एक एक 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं उनके शरीर में बताया कि एक एक के शरीर में 23 आत्माएं के आसपास प्रवेश करेंगी। हाँ। और उसमें जैसे ब्रह्मा सृष्टि की आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, हैं? ब्रह्मा सृष्टि वाली जो आत्माएं शरीर छोड़ दी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 4.5 लाख आत्माएं शरीर छोड़ चुकी है ना? हाँ। तो शरीर छोड़ चुकी है, छोड़ रही है, नंबर वाइज छोड़ रही है ना? हाँ। 33 करोड़ में तो वो भी आ रहे हैं, तो ब्रह्मा सृष्टि जैसी आत्माओं के अंदर किसी प्रवेशता नहीं हो रही है ना? वो तो खुद प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने वाली आत्माएं, तो संख्या तो और बढ़ जाएगी। वो प्रवेश उनके अंदर प्रवेशता नहीं होती है। ब्रह्मा सृष्टि को जो जिसने शरीर छोड़ दिया, सुप्त शरीर जिसने छोड़ दी, हाँ, धारण कर रखा है, उनके अंदर प्रवेशता है क्या? उनमें बाप दादा काम नहीं करते, उनके अंदर सुप्त शरीर कैसे प्रवेश करेगी? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्यों? सूक्ष्म शरीर की जरूरत क्या है? सूक्ष्म शरीर तो उनके लिए है जो पाप धारण करते हैं, चंद्रवंशियों से लेकर के और नास्तिक वंशी जितने भी हैं सारे ही पापी हैं, ज्ञान नहीं है बुद्धि में, इसलिए पाप कर्म करती है। ये सूर्यवंशी हैं, रोशनी में सदैव रहने वाले हैं, इसलिए उतने पाप नहीं करते हैं। करते भी हैं तो संग के रंग में आकर के हो जाते हैं। सिर्फ पापी आत्मा नहीं है, राधे कृष्ण जैसी आत्माएं, राधे कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं उनमें भी राम वाली आत्मा जिसे बाप कहा गया है और वो दादा में प्रवेश करके पार्ट बजाती रही, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप दादा आप किसे कहते हैं? शिव को, राम कृष्ण की आत्मा को कहते हैं। तो 18 जनवरी 1969 तक जो पार्ट बजाया दादा लेखराज ने, कौन सी आत्मा की प्रवेशता विशेष कह रहे हैं? स्मृति कौन सी आत्मा की कहे? राम वाली आत्मा ही कहे बाबा। हाँ, मेरा प्रश्न दूर रह गया। हाँ। शिव बाप ये साकार सृष्टि बनने के बाद में फिर वापिस परम धाम में आते जाते रहते हैं क्यों? परंधाम में आते जाते रहेंगे तो सबकी बुद्धि ऊपर नीचे होती रहेगी, एकाग्र होगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। अरे सृष्टि पर आया हुआ है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो मुरली ने बोला तुम ऐसे ही समझो इसमें सदैव शिव बाबा है। अगर ये समझेंगे अभी है अभी नहीं है तो कभी लात मारो है, हमने तेरी बात मान ली। बाबा 69 से पहले राम की आत्मा तो साकार में होती है, फिर प्रवेशता कैसे हुई? 69 से पहले राम की आत्मा तो साकार में होती है जी। राम की आत्मा बल साकार में होती है लेकिन स्मृति रहती है थोड़ी, जिसके साथ में रहे हैं उसकी छाप रहती है, वो छाप हटती नहीं, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे जगदम्बा हो, दिलो दिमाग में घर कर जाती है। शिव वापिस आते हैं। शिव अकेला कोई काम नहीं करता, शिव अकेला कोई काम करता है क्या? कुछ नहीं करता,
मुकर्रर रस तभी कहा जाएगा जबकि तीनों हो, त्रिमूर्ति से उठा जाता है, ऐसे नहीं आकर के चला जाता है। अव्यक्त स्टेज और निराकार स्टेज में क्या फर्क है जी? अव्यक्त स्टेज का मतलब है आ माने नहीं, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई न दे वो स्टेज, और व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे। सूक्ष्म शरीरधारी भी अव्यक्त है और जो बिंदु शिव है या हमारी आत्मा जो बिंदु बन करके दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करती है उससे अखंड वो आत्मा भी अव्यक्त है, शिव भी अव्यक्त है क्योंकि आंखों से देखने में नहीं आता। और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीन देवताएं बताए गए हैं, श्रेष्ठ देवताएं बताए गए हैं, उनको फरिश्ता कहा मतलब स्टेज में जाती है, तीनों आत्माएं रहती है। लेकिन फिर शंकर जी का ही ऐसा पार्ट है कि उनकी स्टेज जो है तो विष पीने का काम करती है। शंकर जी जो है तो विष पीने का काम करते हैं, महादेव उनको कहा गया है, तो तीनों के स्टेज में क्या अंतर रहती है? शंकर पीते हैं, सारा ज्ञान सत्यानाश कर दिया। शंकर जी चोरी के द्वारा ही पार्ट बजाता है। हाँ तो कौन बजाता है, आत्मा कौन है वो बजाने वाली? तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ? पर ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु के पुत्री भी जाता पार्टनरशिप। कौन सी आत्मा विस्फीति है, तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है? शिव जाती है पार्ट, शिव पार्ट जाती है। फिर शंकर का नाम क्यों लेते? तीनों की स्टेज जो है तो सूक्ष्म स्टेज है, ब्रह्मा की भी सूक्ष्म स्टेज है, विष्णु की भी और शंकर की भी सूक्ष्म स्टेज है। ब्रह्मा की उतनी सूक्ष्म स्टेज नहीं है इसलिए नीचे दिखाया है। ब्रह्मा से ज्यादा सूक्ष्म स्टेज बनती है विष्णु की, ये ऊंची स्टेज दिखाई है, उससे भी ज्यादा ऊंची स्टेज बनती है शंकर की, इसलिए शिव के साथ ऐड कर दिया। हाँ जी, लेकिन ये शंकर का पार्ट जो है 76 में स्टार्ट हो जाता है, 76 में ही शंकर उसे शिव को धारण कर लेता है क्या? 76 में ही शंकर की स्टेज तो नहीं कहेंगे क्या? जिस स्टेज में शिव उसका पार्ट हो जाता है, क्योंकि तीनों की स्टेज के अंतर, कुछ में स्टेज की अंतर आती है, अंतर रहेगा क्षेत्र में भी अंतर रहेगा। सदैव ही अंतर रहेगा, 84 जन्मों में भी अंतर रहेगा। अंतर जो है वो ज्ञान के आधार पर होता है, जितना हम ज्ञान गहराई पर धारण करते हैं उतना ही अंतर हो जाता है पदवी में। और बाबा मुरली ने बताया सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, बढ़िया बात। तो उसमें उस समय राम वाली आत्मा में शिव की आत्मा हाजिर रहती है जी? जो नारायण है वो संपन्न स्टेज है, जो संपन्न स्टेज है वो सोना कला संपूर्ण स्टेज है। शंकर की स्टेज में और नारायण की स्टेज में क्या अंतर है? वो पुरुषार्थी वाला और वो संपन्न, हाँ वो याद में है। नारायण को याद में नहीं दिखाया जाता है, वो संपन्न है। भगवान भगवान की स्टेज है जी। हाँ जी, भगवान क्या बनावेगा? भगवान भगवती बनावेगा, इससे ऊंचा कोई पद होता ही नहीं। और राम ही रावण बनता है बताया है, राम के बारे में क्या कि राम ही अंत में रावण बन जाता है, राम ही रावण बनता है बिल्कुल। तो बाबा उसमें जब रावण बनेगा तो रावण के 10 किस दिखाए गए हैं, तो रावण राम के कौन सी 10 आपने सहयोगी? सबसे बड़ा सिर वही, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। सहयोगी तो 9 आत्माएं नीचे हो जाती है, वो उतना बड़ा रावण नहीं। रावण से लोकान एक
क्या? वो भी रोएंगे, वो भी रोएंगे, नहीं तो अंतर कैसे पड़ेगा? रावण का कैलिफिकेशन बताया गया कि रावण जो है सो 10 मुख से बातें करता है ना, हाँ। उस स्टेज में राम की आत्मा भी 10 मुख की बात करेगी, हाँ, क्यों नहीं करेगी? अगर अगर एक ही मुख से शिव के ही मुख से बात करती रहे तो फिर भ्रमित कैसे होगी सारी दुनिया? चैतन्य बाबा 10 शरीरधारी चैतन्य शरीर वो कौन सा होगा जिसके थ्रू राम की आत्मा पाठ हो जाएगी? है 9 आत्मा तो और सहयोगी बनेगी ना, 10 मुख पर 10 मुख बन के। अरे बीज एक होता है कि बीज अनेक होते हैं? एक बीज में ही 9 भरे हुए। हाँ जी, पहला नंबर का सिर, दूसरे नंबर का सिर, तीसरे नंबर का सिर, तीनों के चरित्र अलग अलग, सभी सिरों के चरित्र अलग अलग होंगे कि एक ही होंगे? तो सभी चरित्र जो भी 9 सिरों के हैं वो राम वाली आत्मा में भरे हुए। हाँ जी, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, बीच में सब कुछ भरा हुआ है, अच्छे से अच्छा पार्टी भी भरा हुआ है और बुरे से बुरा पार्टी भी भरा हुआ है। जो भी नंबर वार श्रेष्ठ आत्मा है वो भी फिर रावण का पाठ होना शुरू कर देंगे। नंबर वार रावण होंगे तो अष्टदेव है या जो भी 108 की मां, वो देवानी नहीं बनते? जब बाप बनेगा तो नेचुरली वही बनेंगे। पहले बनेंगे राम के बिना दुनिया चले ना, राम को हनुमान के बिना नहीं चलाए, राम को हनुमान के बिना नहीं चलता है। हाँ, वो तो गीत बनाए हैं, अपनी अपनी जैसी अकल है वैसा बनाए, लेकिन क्या बचपन में राम के साथ हनुमान सदैव थे? नहीं थे। ये बात तो झूठी हो गई। बाबा, बाहेली माताओं का एनएस में जाने का पुरुषार्थ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बांधेली माताएं किसको कहा जाता है? जिनको पुरुषों ने बांधा हुआ। तो बंधन स्वेच्छा से, बाबा ने बोला है ना, लौकिक और अलौकिक दोनों तोड़ निभानी है। तो लौकिक बंधन को मान लेना, स्वीकार कर लेना खराब बात है क्या? खराब बात है, है? मानना चाहिए। बांधेली होते हुए भी अलौकिक बंधन में भी बंद करके रहे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी पाठ बजाए। बांधेली माताएं क्या नहीं कर सकती है? बाबा, गृहस्थ अष्टदेव में आ सकते हैं? गृहस्थी अष्टदेव का तो साथ, मतलब अष्टदेव का पाठ में आ सकते हैं। तो गृहस्थी क्यों है फिर? गृहस्थी कहेंगे उनकी गृहस्थी बेहद की होगी कि हद की होगी? फिर तो घर गृहस्थ में रहने वाले इसमें आ सकते हैं अष्टदेव में? फिर कोई बात, जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं उनकी जब भगवान बाप आ गया तो नया जन्म हो गया या पुराना जन्म है? जब नया जन्म हो गया तो गृहस्थी में रहे, खत्म हो गई। कोई की बुद्धि में 1 सेकंड में ज्ञान बैठ जाता है, हमारा परिवार कौन सा है? हमारा परिवार रूहानी परिवार है, रुद्रमाला का परिवार है या दुनियावी परिवार है? रुद्रमाला का परिवार है, तो हम भी रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के मणके अकेले हैं, ये दृष्टि है, है? फैमिली में, फैमिली में आत्मात्मा भाई भाई, हद की फैमिली में है या बेहद की फैमिली में? बस बेहद की फैमिली, मैं आत्मा, मेरा बाप,
एक शिव बाबा, दूसरा न कोई बाबा, तो फिर क्या करे माने नहीं माता अगर उनकी माने तो वहीं बैठे रहे है? अगर उनकी माने तो वहीं बैठे रहे तो बाप के पास आई सकते हैं, बाप के घर सकते हैं। अभी तो बता दिया जो अपने को बाप की बेहद की फैमिली के भांति बना चुके वो किसी भी दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, कैसे न कैसे करके अपना रास्ता साफ करेंगे। पावरफुल आत्माएं हैं, गिरी हस्ती वाली आत्माएं नहीं है। दुनिया को बंधन में बांधने वाली आत्माएं सिर्फ बाप के बंधन में बंध करके रहती है। एक कुमार है बाबा और दूसरा है अधर कुमार, तो अधर कुमार भी ले सकता है नंबर टॉप का है? अधर कुमार भी तो ले सकता है टॉप का नंबर। हाँ, अगर पूरा श्रीमंत पर चलता है जैसे बाप ने बताया है, लौकिक और अलौकिक दोनों में बैलेंस रखो। गीता पाठशाला चलाने वाले हैं, अच्छा पाठ बजा रहे हैं, लक्ष्य रखा हुआ है गीता पाठशाला को मधुबन बनाए देना है, तो उनकी गृहस्थी गृहस्थी रह जाएगी कि बेहद की गृहस्थी हो जाएगी? बेहद की गृहस्थी हो गई तो फिर क्या अंतर है? योगिनी मां को देखने की इच्छा है तो क्या करें? स्वभाव संस्कार ऐसा ही बना है, जिसके नजदीक जाना होता है वैसा ही बनना पड़ता है कि विपरीत बनना पड़ता है? जिसके नजदीक जाना है वैसा ही बन जाना है। कोर्स कराने के बाद पांचों चित्रों पर निश्चय हो जाता है और वो आत्मा तुरंत भट्टी करना चाहती है, तो भट्टी के लिए भेज सकती है या कुछ समय क्लास करवाने के बाद भट्टी करवाना है, तो आत्मा को परखना होता है कि बाप के ऊपर कितना निश्चय है। अगर निश्चय पक्का है तो भर्ती कराने में कोई हर्जा नहीं। बाबा, आदि ब्रह्मा को ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? आदि ब्रह्मा को ब्राह्मण कैसे कहेंगे? शिव प्रवेश करता है तभी तो नाम ब्रह्मा देता है, तो शिव ने पहले पहले भक्त आत्मा में प्रवेश किया या ज्ञानी तो आत्मा में प्रवेश किया? और पहले और बाद की तो बात ही नहीं। ज्ञान है भाई और भक्ति है बहन, ये भाई बहन की जोड़ी है। नई दुनिया में जो जोड़ियां बनेगी वो साथ साथ जन्म लेंगी, आगे पीछे जन्म लेंगी, तो ये भी जोड़ी ऐसी है कि शिव जब प्रवेश करते हैं तो जिस माता में प्रवेश करके प्रश्न दिया, बात बताई गई, बोली गई, वो माता पहला ब्रह्मा हुई, आदि ब्रह्मा। परंतु उस आदि ब्रह्मा के द्वारा
सुनने सुनाने का फाउंडेशन पार डाला गया या समझने समझाने का फाउंडेशन डाला गया? सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला गया। इसलिए ब्रह्मा के चार पुत्र गाए गए हैं सबसे बड़े, उनमें से जो बड़े में बड़ा ज्ञानी था उसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना का कार्य चलता है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं, सर कुमार के द्वारा चलता है। तो ब्रह्मा पतित को कहा जाता है और ब्राह्मण पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? पावन बन जाता है। ब्रह्मा भी अगर पावन बने तो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तो ब्रह्मा अलग चीज और ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से जिसने सुना वो ब्राह्मण हो गया। माने पहला पहला जो ब्राह्मण बना वो पहला पहला देवता, पहला पहला क्षत्रिय, पहला पहला वैश्य, पहला पहला शूद्र और शूद्र से फिर पहला ब्राह्मण।